रुक करते हैं प्रदेश की ओर। बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने बैरी रजादिया में लगभग 14 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बैरी का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला तथा प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोटीपुरा में एम्स का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें घर द्वार पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने बैरी रजादिया में लगभग 14 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बैरी का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला तथा प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोठीपुरा में एम्स का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें घर द्वार पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों नई योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिससे आम जन को लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सहारा योजना चलाई है। ये योजना प्रदेश वासियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि बैरी रजादिया में बेहतरीन सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नवगाम बैरी सड़क की मुरम्मत पर 20 लाख रुपए तथा बैरी रजादिया सड़क पर 5 लाख रुपए व्यय कर सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया गया है। Thank you.